नमस्कार दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, IDBI का वैकेंसी निकला है 2018 का, एग्जीक्यूटिव के लिए निकला है। टोटल 760 पोस्ट हैं ग्रेजुएशन बेसिस पे, तो इसमें सब बहुत सारे डाउट्स हैं जी, कितना कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, डेट क्या है, फॉर्म भरने का डेट क्या है, एग्जाम्स क्या है, प्री होगा, मेन्स होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि वैकेंसी कितने हैं। 760 वैकेंसीज निकले हैं और इसका फॉर्म का डेट नहीं चालू हो गया, 6 फेब मतलब आज से चालू हो गया है, आज से चालू हो गया, और एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया, ये 28 अप्रैल को एग्ज़ाम का डेट है। सो ये पूरे सिर्फ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सिर्फ एक ही फेस होने वाला है। और नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो एग्ज़ाम व्हेन विल बी द एग्ज़ाम कंडक्टेड। एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 28 अप्रैल को होगा, मतलब आपके पास 2 महीने का टाइम है, दो 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 महीने का टाइम, 2 से 3 महीने का टाइम है, 28 अप्रैल को एग्ज़ाम है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, विल देर बी इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू रहेगा? कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन है, डायरेक्ट आप वन फेस में एक एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विल द एग्ज़ाम कंडक्टेड ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? OMR शीट से होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा? तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा, वन फेस, और उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज क्राइटेरिया, एज यहाँ 20 ईयर्स से 25 ईयर्स, और अगर आप ये 1/1/2018 तक का एज गिना जाएगा, तो अगर 2/1/93 के बाद पहले और 1/1/98 के बाद पैदा हुए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 20 साल 25 साल और 2/1/93, 2 जनवरी 1993 और 1 जनवरी 1998 के बीच में आपको होने का है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि अगर कोई बंदा फाइनल ईयर में, तो वो भर सकता है कि नहीं? ग्रेजुएट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर फाइनल ईयर में वो भर सकता है कि नहीं, February 28, 2018 तक उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो पास हो चुका है, भले ही वो प्रोविजनल हो, लेकिन उसके पास एक प्रूफ होना चाहिए, तब वो भर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फीस पे आ जाते हैं, तो 150 है किसके लिए? ST SC के लिए और PWD दैट इज़ फिजिकल हैंडीकेप्ट के लिए, और ST SC के लिए 150 रुपीज़ है, और 700 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट्स। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज़ है, बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, और आगे एक और खुशखबरी है, आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक आखिरी में एक और खुशखबरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हो रहा है? 6 से चालू हो रहा है और 28 फरवरी तक चलेगा, तो ये आज से चालू हुआ है और 28 तक चलेगा, तो आप उसके बीच में भर सकते हैं, उसके बाद भरेंगे तो नहीं होगा, उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन नहीं भर सकता? 55% अगर ग्रेजुएशन में, तो वो नहीं भर सकता, अगर 19 ईयर्स है उसका एज, तो वो भी नहीं भर सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं पैटर्न पे, पैटर्न जो एक सिर्फ सिंगल फेस होने का है, सिंगल फेस होने का है, और सबसे बड़ा खुशखबरी जो मैं बोल रहा था आखिरी में, कि इसमें GK का सेक्शन नहीं है, सिर्फ रीजनिंग है, इंग्लिश है और एप्टीट्यूड है। 50 50 50 150 नंबर का है, 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट्स का रहेगा, 150 150 90 मिनट्स का रहेगा। ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा। कट ऑफ IDBI खुद डिसाइड करेगी एज पर जैसा कॉम्पिटिशन रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग मेन ये है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। लोग सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग ये तुक्का मार देंगे, इसमें तुक्का मारेंगे तो 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सो यही है, सब कुछ है, और भी इसके बारे में मैं वीडियोस डाल दूंगा इसमें, जो भी रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथ्स में क्या क्वेश्चन, क्वांट में क्या आ सकते हैं, इंग्लिश में क्या आ सकते हैं, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और डेट याद रखिएगा, 6 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपको भरना है, और 28 अप्रैल को उसका एग्जाम रहेगा। सो थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसको देखना भूलना मत, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।